हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। स्क्रैच इज व्हाट? स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू मेक गेम्स, एनिमेशन स्टोरीज, project, etc. So this chapter is helpful for you all, so you will pay attention. So first of all, we will understand what is Scratch. Scratch is an application which is made by Michael Resnick and MIT Media Lab. Okay, so this company has made Scratch. So dear student, today's video we are going to deal with some of the topic of this chapter. Firstly, we will see starting of Scratch, then second, component of Scratch, third, drag and drop blocks in script area. So we will try to sum up all these three topics in today's video. So let us see first how to start Scratch. Dear student, first of all you have to download the Scratch application from internet. As you all know that we are learning the Scratch version 2 offline. Okay, so you have to download the Scratch 2 offline editor from internet. You will find many versions, but in this chapter we have to deal with Scratch 2 offline editor. So you will download Scratch 2 offline editor. After downloading, you will see that your application has installed. Okay, so now we will see how to start Scratch application. So you have to follow the steps. First, click on start button. Okay, then click on all program and select the Scratch 2. So dear student, you can see here, for starting the Scratch you need to click on start button. Okay, स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल प्रोग्राम पॉपअप। ओके, इसके अंदर आपको स्क्रैच 2 दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करिएगा और आपका जो स्क्रैच है वो स्क्रीन पे आपको शो करने लगेगा, इट विल गेट ओपन। सो दिस इज द वे टू स्टार्ट स्क्रैच ऑन योर कंप्यूटर। नाउ वी विल सी द मेन कंपोनेंट ऑफ स्क्रैच। ठीक है, सो रेडी फॉर दैट। आप जैसे देख सकते हो बैकग्राउंड में स्क्रैच जो है वो ओपन हो चुका है। नाउ द फर्स्ट कंपोनेंट वी विल सी मेन्यू बार। आप देख सकते हो ऊपर, ठीक मेरे ऊपर जो है वो है हमारा मेन्यू बार। ये टॉप मोस्ट बार पे होता है स्क्रैच विंडो के, एंड इट इंक्लूड्स द ऑप्शन टू सेव, ओपन और एडिट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन इस मेन्यू बार में आपको मिलेंगे। एंड द सेकेंड इज स्प्राइट। आप स्प्राइट देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बिल्ली खड़ी है। ओके, ये बिल्ली स्प्राइट नहीं है। स्प्राइट का मतलब यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, कलर्स या शेप्स। ठीक है, ये आपके कैरेक्टर जो होते हैं वो स्प्राइट्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड इज स्टेज। स्टेज यानी जहाँ ये बिल्ली परफॉर्म करेगी एक्टिविटी अपना। ठीक है, जो वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वो स्टेज है, जहाँ वो स्प्राइट अपना एक्टिविटी कंडक्ट करेगा। सो दैट इज़ योर स्टेज। देन द नेक्स्ट इज ब्लॉक मेन्यू। ब्लॉक मेन्यू इज वॉट? इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज। आप देखेंगे ब्लॉक के अंदर वेरियस कैटेगरीज है, जैसे कि मोशंस, पेन एक्सेट्रा। तो ये आपको स्क्रैच को मूव करने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए काम आएगा। तो ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आप ये सारे कंपोनेंट को समझ जाइए। देन द फिफ्थ वन इज ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट जो होते हैं ये एक तरह के पजल पीसेस होते हैं जो आप क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये आप इसे अरेंज करिएगा, यानी एक तरह से ये स्प्राइट को प्रोग्रामिंग करेगा, यानी उस तरह वो काम करेगा एनिमेशन स्टोरी में। ओके, देन सिक्स वाली स्क्रिप्ट। जैसे किसी कहानी का कोई स्क्रिप्ट होता है, तो उसी तरह आप इस प्रोग्रामिंग का भी स्क्रिप्ट बनाएंगे, तभी वो आपका जो स्प्राइट है वो उसके हिसाब से काम करेगा। सो यू विल गेट द स्टोरी लाइन और गेम फॉर योर प्रोजेक्ट, राइट। एंड द सेवन्थ वन इज स्क्रिप्ट एरिया। आप देख सकते हैं ये जो स्क्रिप्ट एरिया बगल में है, ये आप
जो ब्लॉक है इसको ड्रैग करके कैटेगरी वाइज आप उसको अरेंज कर सकते हैं स्क्रिप्ट एरिया में, वेर यू विल द स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड टू प्रोग्राम द स्क्रैप. Now the next topic, drag and drop blocks in the script area. It is important to learn how to drag and drop blocks in script area. So have a look how we will drag and drop the blocks. The blocks are dragged and dropped in the script area and further joined to create a script. When you drag a block from it list, do not leave the mouse button till you drop it in the script area. When you join the two blocks together, a white line appears. This is to help you to place the block at the correct position. So I hope आपको समझ में आ गया किस तरह drag and drop करना है. Okay. So we will see the next topic in the next video. If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching the video. Have a nice day.